ऑल राइट गाइस, सो आज हम बात करेंगे कि आपको ट्रेन के सामने सुसाइड क्यों ना करना चाहिए। देखो वैसे तो आपको बिल्कुल सुसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन आज हम इसमें स्पेसिफिक बात करेंगे ट्रेन के सामने। उसके कुछ रीज़न है, फिर मैं आपको उसके लॉ भी बताऊंगा क्या क्या सीन रहता है। तो देखो ट्रेन के सामने सुसाइड यूँ नहीं करना चाहिए। अभी ना मैं रिसेंटली कहीं गया था, हाँ जून की बात है, जून में हम कहीं गए थे मैं और मेरे मामा जी, तो हम कहीं जा रहे थे ना, तो हमने लाइव एक्सीडेंट देखा मेट्रो के सामने। एक बंदे ने आया और उसने सुसाइड कर लिया। मैं ना वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना। उसमें क्या हुआ, उसने देखो करा तो सुसाइड, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो वैसे तो बच गया लेकिन उसके यहाँ तक हाथ कट गए, यहाँ से दोनों हाथ कट गए। अब देखो वो बंदा ना अब जीने में ना मरने में, मतलब बीच का हो गया, ठीक है, ना ब्लैक ना वाइट, ग्रे हो गया, ग्रे, समझ रहे हो। अब लाइफ ख़राब, अब घर वालों पे डिपेंडेंट हो गया वो अलग। तो जब कभी हम सोचते हैं ना कि ट्रेन के सामने यार सुसाइड करेंगे, तो ज़रूरी थोड़ी ना तुम मरो, क्या पता तुम्हारा हाथ कट जाए, पैर कट जाए, और जीने से तुम और बदतर हो जाओ। तो इसलिए सुसाइड नहीं करना चाहिए ट्रेन के सामने। आपने बहुत बार बाबा जी लोग देखे होंगे, किसी का नकली पैर है, किसी का कुछ है, लेके बैठते हैं, देखा होगा ना, नकली पैर लगा के रखते हैं बाबा जी, नहीं होते जो, तो उनका यही सीन होके रखा होता है। कभी कभी जैसे वो सुसाइड करने की सोचते हैं, अपनी लाइफ से परेशान होकर, फिर उनका कोई हादसा हो जाता है, फिर वो जीना पड़ता है उनको, पर अपना बॉडी पार्ट खो देते हैं। तो इसलिए ट्रेन के सामने बिल्कुल सुसाइड नहीं करना चाहिए। अब देखो वैसे भी तुम्हें सुसाइड नहीं करना चाहिए किस तरीके भी से भी, ठीक है। वो शायरी है ना कि खुदा के जहर पीने से कहाँ आती है मौत, खुदा की मर्ज़ी भी ज़रूरी है, तो उसकी मर्ज़ी भी ज़रूरी है, तो ऐसे नहीं होती। तो अब अगर तुम्हें सुसाइड की टेंडेंसी हो रही है, तो यार देखो अपने घर वालों से बात करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, लेकिन ये सब कदम ना उठाओ। अब देखो अब लीगल क्वेश्चन क्या है, बहुत बार ना लोग पूछते हैं कि जब ट्रेन आती है तो ट्रेन रुकती क्यों नहीं है, बंदे को मार देती है, जैसे मान लो बंदे ने सुसाइड करा, वो रुकती क्यों नहीं है। तो यार देखो एक ना इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 81 है, मैं आपको वैसे समझाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो सेक्शन 81 में ना वो दिया है कि जनरल एक्सेप्शन दिए हैं कि ये क्राइम नहीं है। तो वो ये क्राइम नहीं है, जैसे ना वो ट्रेन आती है, ठीक है, अब ट्रेन आती है बहुत सारे लोगों को लेके, अब एक बंदा है, तो सेक्शन 81 ये कहता है कि अगर तुम किसी बड़े नुकसान को बचा रहे हो और छोटा नुकसान कर रहे हो तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। अब मानो देखो ट्रेन आई, ट्रेन में कितने लोग बैठे हैं, 1,500 जितने बैठे हैं, अब वो ब्रेक लगाएगी, अब मान के चलो जो भी करेगी, इमरजेंसी जो भी लगाएगी, तो इस चक्कर में, मतलब इसको बचाने के चक्कर में इनकी लाइफ एंड डेंजर में चली जाएगी। तो लॉ ये कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस, अगर तुम इनको बचाने के लिए इसको मार देते हो ना, तो वो कोई ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए ट्रेन नहीं रुकती, तो वो फेल देती है, मतलब चली जाती है। सो मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि यार देखो सुसाइड वुसाइड नहीं करना चाहिए, इवन ट्रेन से तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और मतलब करना ही नहीं चाहिए। और इसके लिए तो IPC में प्रोविजन भी बनाए हुए हैं, सेक्शन 309 ऑफ IPC, अटेम्प्ट टू सुसाइड। हालांकि ये देखो प्रैक्टिकल चीज़ में मतलब नहीं है, लेकिन मत किया करो, वैसे छोड़ देते हैं उसको अगर कोई अटेम्प्ट करता है तो, क्योंकि वो खुद ही बेचारा मरा गया है, उसको क्या पनिश करेंगे। बस ये कि बनाया हुआ प्रोविज़न डराने के लिए कि कोई अटैम्प्ट ना अटैम्प्ट ना करे। अगर किसी को दिक्कत होती है ना, तो अपने मतलब साइकोलॉजिस्ट से मिलो या जो भी डॉक्टर वॉक्टर है उनसे मिलो, और अपने घर वालों से प्रॉब्लम वॉब्लम सॉल्व करो, ये सब कदम ना उठाओ। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।